ये देखो ये माशाल्लाह मुर्गियों के बच्चे, बहुत प्यारे बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी बच्चों को मैं उठा नहीं सकता क्योंकि मुर्गी काटती है। ये मैं आया हूँ यासीन भाई के घर, तो उसके पास माशाल्लाह मुर्गियाँ हैं, तो मैं इसको उठाऊँगा तो ये काटेगी। इन्हें कितना प्यारा कमरा सजाया हुआ है, तो ये देखो। और ये डिज़ाइन भी भाभी ने खुद बनाया माशाल्लाह। हाँ जी, ये कपड़े का डिज़ाइन भी खुद बनवाया था। ये देखो भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, ससुराल वालों ने दिए हैं सारे। अच्छा, ये तो खैर दहेज के बर्तन है यासीन भाई के। और ये देखो माशाल्लाह, ये डिज़ाइन इतना खूबसूरत बना हुआ है, मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है और आप लोगों को भी माशाल्लाह पसंद आ रहा होगा। हाँ जी, तो ये देखो कितना माशाल्लाह प्यारा से है। गाँव के खैर छोटे छोटे से घर होते हैं ऐसे देहात वाले, तो कराची से तो घर काफ़ी बेहतर है, वहाँ पर तो हमें मज़ा नहीं आता, यहाँ पर हम गाँव के तो गाँव में मज़ा आता है। अस्सलाम वालेकुम, तो आज की वीडियो करते हैं मेरे प्यारे बहन भाई स्टार्ट। तो वीडियो को शुरू करते हैं, मैं आ जाऊँ यासीन भाई के पास, तो फिर इंशाल्लाह मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ यासीन भाई से। ये देखो ये माशाल्लाह मुर्गियों के बच्चे, बहुत प्यारे बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी बच्चों को मैं उठा नहीं सकता क्योंकि मुर्गी काटती है। ये मैं आया हूँ यासीन भाई के घर, तो उसके पास माशाल्लाह मुर्गियाँ हैं, तो मैं इसको उठाऊँगा तो ये काटेगी। ये देखो बहुत ही माशाल्लाह प्यारे बच्चे। कितने यासीन भाई, कितने बच्चे, छः या आठ है? इसके आठ बच्चे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। ईद वाले दिन माशाल्लाह इसने सरप्राइज दिया है, आठ बच्चे जो है इसने ये दिए हैं माशाल्लाह। वैसे हमने अंडे जो है 26 रखे थे, तो उसमें से जो है कुछ ख़राब हो गए थे, और आठ जो है ये बच्चे माशाल्लाह से इसने दिए हैं। ईद वाले दिन सरप्राइज दिया है, बड़ा दिन था माशाल्लाह से, बहुत ही खुशी हुई इनके छोटे छोटे बच्चे जो है जब इसने दिए, तो मेरी पूरी फैमिली जो है खुशी से झूम उठी थी। और उसके बाद जो है मेरी छोटी बेटी जो है महरीन, वो भी बहुत खुश हुई उनको देख कर। ये मतलब साथ आ रहे हैं मेरे पास चूजा? नहीं, लेकिन मुर्गी काट लेगी अगर आप इसको पकड़ोगे ना, इसलिए मैं इसको हाथ नहीं लगा रहा ना, क्योंकि मुर्गी जो है ना इनका बहुत ख्याल रखती है इन बच्चों का। वैसे अक्सर होती है मुर्गियाँ, इतना ख्याल नहीं रखती जितना ये मुर्गी जो है ना, बहुत ही तेज है। अगर कौवा या कोई भी चूजा वगैरह उठाने की कोशिश करता है तो उसको जो है बहुत बुरी तरीके से ये मारती है, ये बहुत ही तेज है। ये देखो यासीन भाई के घर आया हुआ अभी। ये देखो यासीन भाई, ये माशाल्लाह बैठे हुए। कैसे हो? अल्लाह का शुक्र भाई, आप सुनाओ। खैर कह देते हैं, ठीक ठाक बेहतरीन। और खाने का सुनाओ। नहीं नहीं जज़ाकअल्लाह यार, खाना मैं खा के आऊँ। मैंने कहा यार नहीं नहीं, मैं क्या यार भाई से मिल के आ जाऊँ। अच्छा किया हमें मिलने के लिए आए, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। नहीं नहीं, ये तो भाई आपका प्यार इखलाक है, तो हम इतनी दूर से आए आपके लिए भाई। और ये देखो ये यासीन भाई ने जो आपने वीडियो में देखा था ना, कि ये वाला माशाल्लाह ये फ्रिज मिला यासीन भाई को, और माशाल्लाह फुल साइज़ फ्रिज है, हायर का है, बहुत प्यारा फ्रिज है माशाल्लाह माशाल्लाह। और वो वॉशिंग मशीन है, ये भी माशाल्लाह वहाँ से ली थी, ये भी माशाल्लाह अच्छी है। पैक करके रखी हुई है यासीन भाई, जब ये अगर बच्चे कपड़े वगैरह धोते हैं उस टाइम हम ये बाहर निकाल लेते हैं इसको, कपड़े वगैरह धो के दोबारा से पैक कर लेते हैं। अच्छा, ये शापर इसको इसलिए लगाया हुआ है कि अभी जो है ना गंदम की जर्से के वो हुई ना कटाई, वो धूल उड़ी हुई है सारी बैठ जाएगी इस पे। बहुत ज्यादा उड़ रही थी, हवाएं चल रही थी, तो इसलिए जो है ना कमरे में भी मट्टी मट्टी हुई पड़ी थी, इसलिए हमने बंद कर दिया। सही सही। और जो ऊपर जो सफील के ऊपर बर्तन रखे हुए हैं, ये देखो ये माशाल्लाह माशाल्लाह, ये भाभी ने कितना प्यारा कमरा सजाया हुआ है। ये देखो, और ये डिज़ाइन भी भाभी ने खुद बनाया माशाल्लाह। हाँ जी, ये कपड़े का डिज़ाइन भी खुद बनवाया था। ये देखो भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, ससुराल वालों ने दिए हैं हमें सारे। अच्छा, ये तो खैर दहेज के बर्तन है यासीन भाई के। और ये देखो माशाल्लाह, ये डिज़ाइन इतना खूबसूरत बना हुआ है, मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है और आप लोगों को भी माशाल्लाह पसंद आ रहा होगा। हाँ जी, तो ये देखो कितना माशाल्लाह प्यारा से है। गाँव के घर छोटे छोटे से घर होते हैं ऐसे देहात वाले, तो कराची से तो घर काफ़ी बेहतर है, वहाँ पर तो हमें मज़ा नहीं आता, यहाँ पर हम गाँव के तो गाँव में मज़ा आता है। घुटन ज्यादा होती है कराची में, बहुत घुटन होती है, समझ जो है गांव की जो तरोताजा हवा होती है वो बहुत मजा देती है, पसंद आती है। उसके बाद जो है सब्जी हमने लगाई हुई है घर के बाहर, आज चले आपको आ जाओ। अच्छा, ये वाली मामू से बकरियां लेके आए थे? हाँ, ये बकरियां जो है इस्माइल भाई मैंने अपने मामू से ली थी। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, ये देखो ये तीन बकरियां जो है, ये तो बेचारी बहुत कमजोर हुई है, इसको क्या हो गया? नहीं, ये घास की जो है ना अभी मौसम खत्म हो गया। ये देखो ये माशाल्लाह मुर्गा, बहुत प्यारा मुर्गा माशाल्लाह माशाल्लाह। ये छोटा सा किचन बनाया हुआ हमने। अच्छा, किचन यही बनाया था? हाँ, ये दीवार वगैरह बनाई है, ये किचन बना हुआ नहीं थी ना इधर। अभी चलते, मैंने आपको सब्जी दिखानी है। ये देखो जो है पहले गंदम हुआ करती थी सारी, ये देखो ना अब खत्म हो गई है, अब सारी फसलें वसलें काट चुकी है। अभी जो इधर कपास लगाएंगे लोग। अच्छा, पहले वाली फसलें जो है उठा ली ना, अब कपास की मौसम आ गया हो तो वो इंशाल्लाह लगाएंगे लोग। अच्छा, तो फिर वो जब बड़ी हो जाएगी तो हरी भरी, जैसे मैंने आपने मेरी वीडियो में देखा होगा। और ये देखो ना कि ये जो वीडियोस आ रही है, ये इस तरफ ये जो भी साइड पे घर दिख रहे ना, ये मेरे चाचू और बल्कि मेरे खानदान की पूरी पट्टी के घर है, वहाँ से लेके कोने तक। तो खैर मैं यहाँ पे
सब लोग जो अपने रिश्तेदार यहाँ पे रहते हैं, जितने भी गांव में हमारे 300 घर है माशाल्लाह, हम सब रिश्तेदार है, बाहर का कोई भी नहीं है। तो ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह, ये यासीन भाई ने गार्डन बनाया हुआ है, बहुत प्यारा माशाल्लाह बनाया हुआ है। अच्छा माशाल्लाह, ये देखो भाई बहुत बड़ा हो गया, इसको ढाक के इसलिए रखा है, बकरियां जो आती है ना खराब करती है। सही सही, ऊपर कांटे ना तो बकरियों के मुंह पे चुगेंगी तो नहीं खाएंगी बकरियां। और उसके बाद इधर देखो, आपको दिखा दो, काफी सारी सब्जी हमने इधर लगा ली है अपनी। ये छोटी सी इधर मस्जिद बनाई है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, इसको इधर बनाया, इसको अभी शाम को सफाई करेंगे। इधर जो है अबू भी नमाज पढ़ लेते हैं, मैं भी नमाज पढ़ लेता हूं। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और ये देखो पौधे कितने अच्छे लगे हुए माशाल्लाह, इधर छांव हो जाती है। यहाँ पे जो है इधर सब्जी हमने लगाई है, ये देखो इसमें माशाल्लाह काफी ज्यादा सब्जी, सारी भिंडी तुरी। अच्छा, उधर ग्वार लगी हुई है, वो प्याज लगाए, हरी मिर्चें भी अपनी आज लगी हुई है, हरी मिर्च। अच्छा माशाल्लाह, अभी हरी मिर्च लगना शुरू हो गई। हाँ यार, ये देखो ना हमने माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको दिखा दो, ये देखो ये बहुत सारी माशाल्लाह से। ओ भाई माशाल्लाह जबरदस्त। अपनी सब्जी का यही फायदा होता है, कोई अगर इधर से तोड़ के खाना वगैरह बंदा बना लेता है। ये भाभी ने खुद लगाई है? हाँ जी, सारी भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, तहर भाई ने बनाए थे। ये देखो कितनी प्यारी प्यारी हरी मिर्ची लगी हुई है, और माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखो बड़ी लगी हुई है, खूबसूरत है यार। यही फायदा होता है गाँव में कि असल और खालिस चीज मिलती है। देखो माशाल्लाह, मेरे छोटे भाई ने गाजर का पौधा लगा दिया था। अच्छा, ये गाजर का पौधा है? हाँ, तो इसका बीज जो है थोड़े दिन के बाद ये रेडी हो जाएगा, तो इसको बीजेंगे तो फिर गाजरे लगेंगे। ये देखो भाई माशाल्लाह, हमने गाजरे देखी है, गाजरे देखी है, गाजरे के ऊपर वाले छिलके देखे, लेकिन बीज मैंने कभी नहीं देखा, जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। और ये पौधा भी माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा है, बीज का बहुत प्यारा पौधा लग रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। बकरियों के लिए घास लगाया जंतर। अच्छा, ये कितना छोटा सा टुकड़ा कम लगा है? बस ये वाली जमीन उस टाइम जो है नहीं थी हमारे पास। अच्छा, ये जो है अभी लिया है हमने। अच्छा, इसको अभी आपने लिया है, इसमें अभी जंतर लगाएंगे, कोरिया वगैरह लगा देंगे, सावड़ी जैसे होती है घास, हाँ हाँ वो लगा देंगे भाई जान। सही सही, वो भी हो जाएगी माशाल्लाह से। तो बकरियां आपको पता है, 3 बकरियां उनके लिए बहुत ज्यादा काफी है माशाल्लाह से। ये देखो ये माशाल्लाह, वो दूर से आपको दिख रहे होंगे वहाँ पे ना, गांव में जो गायें भैंसे लेके घुमाने वाले होते हैं ना चराने के लिए, चराने के लिए, वो तकरीबन कोई 100 से ऊपर गायें घूम रही है, उसके साथ 2 बंदे। खैर, हमसे तो इधर एक गाय नहीं संभाली जाती, वो लोग माशाल्लाह 100 गायों को लेके एक साथ घुमा रहे हैं। और ये देखो हर तरफ से माशाल्लाह हरियाली हरियाली, इतना खूबसूरत है ये हमारा गाँव माशाल्लाह। गाँव भैंस को ना छांव में बांधा है किसी ने। अच्छा, ये भी हमारे गांव के आखिरी गंदम जो है ये पड़ी हुई है, उसके बाद हमारे आसपास की जो गंदम, ये देखो भाई हर इलाके से माशाल्लाह गंदम वंदम कट गई है, सिर्फ एक ही ढेर रखा हुआ वो सामने देखो, बाकी तो माशाल्लाह क्लियर होगी। नैन भाई, इसको पानी देने में ना बहुत ही प्रॉब्लम होती थी, पहले हम नलका चला चला के इसको पानी देते। अच्छा, थे, तो अभी जो है मोटर लगाई है, उससे जो है पानी जल्दी आ जाता है। आपको मोटर दिखा दूँ? दिखाओ। उसके बाद जो है मैंने इधर एक और भी चीज लगाई हुई है, ये लगाया खरबूजे का बीज। ओ भाई माशाल्लाह, खरबूजे लेते हैं, मतीरे लेते हैं, जी जी, ये उन चीज का बीज लगाया हुआ, ये है सावितुरी का बीज। अच्छा, ये हमने छोटी सी मोटर लगाई है, तो ये देखो इससे जो है हम पानी देते हैं सब्जी को। देखो ये भाई, ये अभी 2 दिन हुए लगाई है, रूटर लगा हुआ है माशाल्लाह, क्योंकि इन लोगों को बहुत दिक्कत होती थी पानी लगाने की। यहाँ पे ट्यूबवेल का और पानी का इंतजाम बहुत दूर दूर तक है, तो इनके लिए बहुत तकलीफ होती थी, तो इन्होंने खुद ही माशाल्लाह यहाँ पे एक रूटर लगाया है। और यासिर भाई, ये किस चीज़ का पौधा है? ये सूखते हैं, इसके जो है ना इसको आप पानी वगैरह देते हैं तो ये देखें नए जो इसकी शाखें निकल रही है। ये देखो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा पौधा है। और देखो वो सामने है नांग बूटी, इधर से आ जाओ। अच्छा, नजदीक करके दिखा दो प्यारे, ये मैंने नाम सुना। अच्छा, इसको नांग बूटी बोलते हैं? हाँ, ये देखें जी। वाह भाई वाह, ये देखो ये अभी हो रही है। उसके बाद इधर जो है हमने बबरी लगाई, ये जामन का पौधा है। इधर छांव इतनी है कि बंदा जो है चारपाई लगा के सो जाए सुकून से, गांव के माहौल में यही मजा होता है। वाह भाई वाह, इधर बबरी लगाई हुई है इनकी जो है ना, ये देखें हमने गमला बनाया है, क्यारी बन गई ना सारी, पानी वगैरह अगर इनको देना होता है तो एक साइड से पानी छोड़ते हैं, सारा जो है पानी सारी सब्जी में लग जाता है अपने। अच्छा, छांव अभी तो ये छोटे हैं पौधे, इंशाल्लाह अभी जो है महीने 1.5 महीने के बाद मजीद इनकी छांव जो है बढ़ जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी, नए पत्ते उग रहे हैं। ये देखो कितना माशाल्लाह खूबसूरत माहौल दिख रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ वाह भाई वाह, इधर इसलिए हमने सफाई वगैरह की हुई है, इधर कोई मेहमान आ गया, अभी फिलहाल हमने ये लगाया हुआ। जब मेरे छोटे भाई बड़े हो जाएंगे, हुमैर भाई, तो इंशाल्लाह उनकी शादी वगैरह जब हम करेंगे फिर इधर उनकी जगह बनवाएंगे, इधर जो है उनका घर बना देंगे। अच्छा, हुमैर और जुबैर का? हाँ जी, इस वाली जगह पे जो है फिर भी हम सब्जी वगैरह लगा सकते हैं। ये कांटे वाला पौधा किस चीज़ का? ये है किक्कर, ये है किक्कर। अच्छा, तो इसके कांटे होते हैं और ये जो है
इसका मिसवाक भी बहुत ही अच्छा बनता है, जैसे कि हम लोग दांत सफा करते हैं ना। अच्छा, तो इसका मिसवाक जो है दांतों को मजबूत करता है। जैसे मसूड़े खराब हो जाते हैं तो यार बोलते हैं कि इस चीज का मिसवाक करो तो अच्छा हो जाता है। नीम का और इसका जो है ज्यादा बहुत बहुत ज्यादा जो है बेहतरीन बनता है। मैंने नीम का तो मिसवाक किया हुआ है, 2-4 बार किया हुआ है। मेरी वीडियो में पता नहीं ये भी देखा है कि नहीं, ये सुहांजने का जो पौधा है, फल उठाया था तो हमने जो है इसको काटा था। हाँ, मैंने देखा था इसकी वीडियो। इसका सालन पता है स्नान भाई किस तरीके का बनता है, जैसे हम कीमा। चलें जी, माशाल्लाह से इसी दुआ के साथ जो है आज की वीडियो को हम कर रहे हैं यहीं पे एंड। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।